बात करने वाला अपने आरसी ड्रोन पार्ट्स इतने इंडिया में इतने महंगे क्यों मिलते और इतने कॉस्टली में क्यों मिलते, देखो कैसे इसके पूरे तीन रीजन से आज की इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ। जो कि पहला रीजन है अपना, जो ड्रोन के जितने भी पार्ट्स है वो मेड इन चाइना रहता है, यानी कि चाइना ब्रांड रहता है, चाइना में अपने ड्रोन्स के पार्ट्स बनते। आपको भी मालूम रहेगा एक ड्रोन्स का जो पार्ट्स रहता है वो चाइना क्वालिटी का रहता है, चाइना में बनता है। तो आप गेस लगा लो कि चाइना में कितना इसका MRP गिरा हुआ रहेगा। तो गाइस मैं रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस, बस अब तो आपको बोल रहा हूँ मैं रियलाइज़ करके ये वीडियो बना रहा हूँ सच्ची में गाइस, सच्ची में। जो कि एक गोल्डन मोटर का जो प्राइस है 95 रुपीज़ है गाइस, लिटरली 95 रुपीज़ का एक BLDC मोटर है, वो भी 1000 KV से लेके 2200 KV तक, ओनली 95 रुपीज़ गाइस। रियली आप भी शॉक हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद, रियली गाइस चाइना में इतना प्राइस है गाइस, चाइना में लिटरली। आप तुम्हें तेरे को कैसा मालूम ये सब, तो आपको मैं लास्ट में बोलूँगा ये मुझे कैसा मालूम हुआ, ये इंक्वायरी गई, ये इंक्वायरी कैसी मालूम हुई मुझे। तो 95 रुपीज़ की एक BLDC मोटर और प्रोपेलर तो आप सोच के परेशान हो जाओगे कैसे। एक प्रोपेलर चाइना में 10-20 रुपये का है गैस, 20 से लेके 10 रुपीज़। ऑब्वियसली गैस इंडिया में कितना मिलता है प्रोपेलर, 100 से लेके 200 तक, और मोटर मैक्सिमम 300 रुपये से लेके 450 रुपये तक मिलती है, आपको भी मालूम रहेगा गाइस। तो अब इस CT6B ट्रांसमीटर के बारे में बात करें, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हो रहा है, मैं हंस रहा हूँ गाइस इस वीडियो में लिटरली। तो एक जो ट्रांसमीटर का जितना प्राइस है चाइना में, इंडिया में कितना है वो तो 2000-3000 में एक ट्रांसमीटर मिलता है, लेकिन चाइना में मात्र आपको 1000 रुपये में मिलेगा गाइस, 1000 रुपीज़ ओनली चाइना गाइस, लिटरली बोल रहा हूँ ओनली चाइना में मिलेगा 1000 रुपीज़ में, वो भी CT6B। वाओ गाइस। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले वाला i6 ट्रांसमीटर, वो कितने में आता है गाइस, तो अब इंडिया में कितना में है, 6000 से लेके 7000, लेकिन चाइना में गाइस में गिर जाता लिटरली, अब तो मैं गिर जाता, चाइना में मात्र 2000 रुपये में है गाइस, वो भी कौसा अपना i6 ट्रांसमीटर। आई रियली शॉक गाइस, ओनली i6 ट्रांसमीटर मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ ना, रियलाइज नहीं कर सकूँगी आप, मात्र कितना 2000 मतलब 2000 रुपये में मिलेगा चाइना मार्केट में, चाइना के तरफ मिलेगा, इंडिया के तरफ कभी नहीं मिलेगा। इंडिया के तरफ आपको 2000 रुपये में डिस्प्ले वाला ट्रांसमीटर देखने को क्या भटकने को भी नहीं मिलेगा, ये काली सच्चाई है गाइस, हॉबी पार्ट्स की, हॉबी रिलेटेड पार्ट्स की। अब अपना ये बोट कितने में आ गया चाइना में, ये बोट कितने महंगा, लिटरली ये बोट कितने महंगा, देखो कैसे बोट मैक्सिमम 300 रुपये से 500 रुपये में चाइना में, लिटरली गाइस 300 से 400 रुपये, लिटरली इंडिया में कितने में, इंडिया में 2000 से लेके 3000 रुपये या 1500 रुपये में अपन को एक बोर्ड मिलता है। तो आप समझ गए होंगे इंडिया में इतना क्यों मिलता है और अदर कंट्रीज़ में इतना सस्ते में क्यों मिल रहा है हॉबी पार्ट्स। अब बात कर ले तो मैं ये ESC के बारे में गाइस, ESC कितने में मिलेगा, मात्र 95 रुपीज़ ओनली चाइना मार्केट, नो इंडिया मार्केट, ओनली चाइना मार्केट में आपको इतना लो कॉस्ट में मिल रहा है आइटम, वाह, ओनली चाइना मार्केट, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या राज है गाइस, इसके पीछे तीन राज है। पहला राज है GST टैक्स लगता है गाइस, हर एक आप एक चाइना ब्रांड लेते हो तो आपको एक टैक्स दिखता होगा GST, जो कि हर एक ब्रांड पे लगता है, जैसे कि वो खाने पीने पे ये चीज़ों पे GST लगता है, वैसे ही हॉबी पार्ट्स के ऊपर GST लगता है। और एक दूसरा नाम आप सुने होंगे कस्टम में अपना पार्ट्स फंस जाता है। इंडिया में जब कोई शॉप बिगनर वाला इस चीज़ में इंटरेस्टेड रखता है और इंडिया से वो पार्ट्स चाइना से जो पार्ट्स है वो इंडिया को लाना चाह रहा है, तो एक प्रॉब्लम हो जाता है गाइस, इंडिया में आने से पहले एक प्रॉब्लम हो जाता है, वो प्रॉब्लम का नाम रहता है कस्टम। लिटरली गाइस मेरा फ्रेंड ऐसी ऑर्डर करा था, चाइना से ऑर्डर करा, लिटरली वो जो पार्ट्स है वो चाइना से ऑर्डर करा था। अब वो चाइना से जब ऑर्डर करा था तो जो चाइना का जो मटेरियल है, जो पार्ट्स वो आ रहा था, वो कस्टम में अटक गया था, लिटरली कस्टम में अटकने के बाद वो कम से कम 20,000 का पार्ट्स मंगा रहा था गाइस, क्यों मतलब चाइना में तो सस्ता मिल रहा था, डब्बे डब्बे के हिसाब से वो मंगा ले रहा था, चाइना में तो सस्ता मिलता है, चाइना में तो उसके जो हॉबी जो रिलेटेड पार्ट्स है बहुत ही चीप मिल रहे थे गाइस, लिटरली मैं भी देखा था वो वेबसाइट, लेकिन मैं वो वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में। अगर आप वो वेबसाइट का नाम लेना भी बोलना चाह रही है, वो वेबसाइट का जो लिंक आपको चाह रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो गाइस, प्लीज़ कमेंट करो, बस ओनली कमेंट दिखना चाहिए मुझे,
और दूसरी बात है कि वो वेबसाइट कौन सी थी, मैं इस वीडियो में तो आपको बोलूँगा नहीं, लेकिन वो वेबसाइट पे मैं जाके देखा ना कि इतने कम कम हॉबी पार्ट्स मिल रहे हैं, तो जाओ ऑर्डर कर लो बल्कि मेरे फ्रेंड्स को, मेरे फ्रेंड्स ऑर्डर कर लिए थे, लेकिन ऑर्डर करने के बाद उसका क्या हुआ था, अचानक से उसका कस्टम में उसके पार्ट्स अटक गए गाइस, लिटरली उसके जो पार्ट्स रहते हॉबी पार्ट्स वो कस्टम में अटक चुके थे, लिटरली कस्टम में अटकने के बाद उसको क्या हुआ, फिर बाद में मैसेज आया था उसके फ़ोन में, उसके मैसेज आया था कि उसका जो पार्ट्स है हॉबी रिलेटेड वो कस्टम में अटक चुका है। तो फिर वो ऐसे ही करके जो रहता है ना अपने फ़ोन से ही वो रजिस्टर करा, फैमिली का भी रजिस्टर करा, फिर उसको एक दिन कस्टम से मेल आया, कस्टम से उसको एक नोटिस आया कि उसको इतना पे करना पड़ता है जब पार्ट्स रिलीज़ करना है, उसको जब कस्टम में वो पार्ट्स अटक गए थे तो कस्टम में जो पार्ट्स अटक गए थे अब उसको रिलीज़ करना है, वहाँ से निकालना है, तो उसको कितना पे करना पड़ा आपको मालूम है कैसे, 40,000 रुपीज़ उसको पे करना पड़ा, 20,000 के पीछे भागा था, मतलब सस्ते पार्ट्स के पीछे भागा था, लेकिन उसको 40,000-60,000 रुपीज़ कस्टम में डालना पड़ा, कस्टम में गैस लिटरली 20,000 का जो उसको पार्ट्स मंगाना था, लेकिन वो अटक गया था 17,000 और 50,000 के बीच में, यानी कि 50,000-60,000-70,000 का कस्टम उसको आ गया था, मतलब इतना कस्टम उसको पे करना पड़ा, लेकिन मेरा दोस्त क्या करा, वो पे नहीं करा, उस कस्टम को जो रहता है वो उसके पास कहाँ रहेगा गाइस, इतना मनी रह सकता है गाइस 50,000-60,000 ऑब्वियसली गाइस बहुत बड़ी बात है। तो उसने क्या करा, उस ऑर्डर को कैंसिल करा दिया और वापस जो ऑर्डर था वो चलेगा चाइना के हाथ में। तो देख सकते हो गाइस इंडिया तक आने तक तो कितना GST लगता है, GST का तो GST आपको बोल दिया, GST कितना लगता है, मतलब ये सब जो वेराइटी है चाइना का मॉडल है, अब इसको इंडिया अवॉइड नहीं करेंगी गाइस, मैं पहले ही बोलूँगा, क्योंकि इंडिया में ड्रोन उड़ाना इलीगल है और ड्रोन फ्लाई करना इलीगल है, ड्रोन्स के पार्ट्स भी खरीदना इलीगल है, आपको पता भी रहेगा कि इंडियन आर्मीज के लिए अभी नोटिस नहीं भेजेंगी कि आप ड्रोन्स बनाओ, तो समझे ना ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ है आपको बोलने के लिए जो GST कितना लगता है इसके लिए। तो मैक्सिमम मैं बोला कि GST कितना लगता है पार्ट्स के लिए, तो मैक्सिमम GST 100% लगता है, मतलब कम से कम आप इतना पार्ट्स है अपने पास, समझो ये ड्रोन बन गया अपना 10,000 लग गया तो आपसे मैक्सिमम 1,00,000 रुपीज़ GST में जाता है, 1,00,000 रुपया GST में जाता है, परमिशन टैक्स भी लगता है गाइस, मैं आपको बोल दूंगा परमिशन टैक्स भी लगता है, ड्रोन के जो पार्ट्स रहते हैं चाइना में बनते गए, चाइना इंडिया के लिए सेफ नहीं है, आपको भी पता है आप कई सारी न्यूज़ भी देखते होंगे कई भी, लेकिन चाइना जो पार्ट्स बनाता है वो इंडिया में सप्लाई होता है, होता तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि चेयर कुर्सी होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ रहता है इंडिया में आने के लिए ड्रोन के पार्ट्स, वो भी तो इंडिया इसका अवॉइड नहीं करती है, तो इसके पीछे इंडिया क्या कर देती है, उतने टैक्स लगा देती है, उतने परमिशन इसको देती है, उसके बाद इंडिया को थोड़ा आधा पेट मतलब आधा उसको पैसा आ जाता है इंडिया को, जो कि गवर्नमेंट को आधा पैसा आता है, परमिशन का पैसा भी गवर्नमेंट को आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलाउ करती है अपने ड्रोन्स के पार्ट्स को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। तो ऐसा चाइना वालों ने, चाइना में तो सस्ता मिलता है लेकिन इंडिया के जो शॉपकीपर्स हैं उन लोग दाम ऊंचा कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, एक एक ट्रांसमीटर का 5,000-5,000 कर देते हैं, एक एक BLDC मोटर का 450 रुपये कर देते हैं, एक 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 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर का 3,000-3,000 रुपये दाम कर देते हैं गाइस, और एक एक रिसीवर का 1,500 से 1,500 से लेके 3,000 कर देते हैं, ये काली सच्चाई है गाइस हॉबी पार्ट्स की। अभी समझ गए होंगे कि चाइना में तो सस्ता मिलता है लेकिन इंडिया में बहुत 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 कॉस्टली मिलता है, अब ये सोच भी नहीं सकता। तो मैं वही शौक लगा गया इसमें, एक वेबसाइट पे देखा था, वेबसाइट पे देखने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा ही एक किस्सा हुआ था हाईटेक RC ड्रोन, क्या नाम उसका मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरा चैनल ही ये ऐसा आ जा रहा है, लेकिन उसका पूरा नाम है हाईटेक XYZ, उसके भी चैनल पे कुछ ऐसा ही है, लेकिन मेरे दोस्त के भी साथ ऐसा हुआ परसों या तरसों कबलो जो ऐसा हुआ, तो उसने बोला कि भाई तू वीडियो बना के और भी लोगों को इन्फॉर्मेटिव कर, ये चाइना वालों से कम मिलता है लेकिन इंडिया में आने से थोड़ा महंगा मिलता है, तो समझ गए गाइस ऐसा कुछ नहीं है, चाइना में